तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे मन निर्मल होए संता तूरे कर कृपा तेरे गुण कर कृपा तेरे गुण चरण तूल तेरी सेवक मांगे और तेरे दर्शन को बलिहारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने चरण तूर तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा जो मन की निर्मलता जिसके बिना प्रभु मिलते नहीं और वो मन की निर्मलता किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत पाद रजो अभिषेकम, बिना महत पाद रजो अभिषेकम। तो फिर से चले रैदास जी के पास। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये ना देखना मिलता क्या है, ये देखना देने वाला कौन है। संसार से बहुत सम्मान भी मिले तो विष है, और गुरु से संत से फटकार भी मिले तो अमृत है, मन को निर्मल करेगी। साधु ते होए न कारज हानि, संत से हानि नहीं होती। और मैं तो कहता हूं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, मैं सच कह रहा हूं आपसे, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरु से डांट पड़ती है, फटकार मिलती है। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, और मारे गोला प्रेम का मिटे भरम का कोट। ठोक पीट थाने रूप सवारो सुघड़ बढ़ायो जी, ठोक पीट थाने रूप सवारो सुघड़ बढ़ायो जी, ठोक समारो सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप समारो सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तो हो, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, हे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। ठोक पीट थन रूप सवारो सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थन
गुरु जी थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। बोझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, बोझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, बोझो उतरो तन रो मन दुख बिसरायो जी, बोझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, बोझो उतरो तन रो मन रो दुख बिसरायो जी, निश्चिंत भया मन चरण कमल रो, ओ निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो पायो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। चाहो जिस सरिया राखो हे मन भायो जी, हम चाहो जिस सरिया राखो हे मन भायो जी, हम चाहो जिस सरिया राखो हे मन भायो जी, गुरुजी थारी शरणी आयो जी, गुरुजी थारी शरणी आयो जी, जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, हे मन भायो जी, नाथ थारी शरणी आयो, गुरु जी थारी शरणी आयो, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो, नाथ थारी शरणी आयो जी। तो बड़भागी होता है भाई वो, क्योंकि आप किसी दूसरे के बालक को प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के बालक को फटकार नहीं सकते। प्रेम किसी को भी दिया जा सकता है, पर इस भाव के लिए तो अधिकार की आवश्यकता है। कभी संत के मुख से, गुरुजनों के मुख से सुनने को कुछ मिल भी जाए ना, तो समझना अपनापन है, ये आत्मीयता है। अपने को ही सजाया संवारा जाता है। ठोक पीट थन रूप सवार सुघड़ बना जी। तो ये देखना कि देने वाला कौन है, और अगर आपको ये विश्वास है कि जो आ रहा है वो प्रभु की इच्छा से आ रहा है, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो फिर तो एक विचार, एक चिंतन, एक भाव आपका जीवन आधार बने। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा दुखां नूं विदाते आवे सुखां नाल लालवा जिहड़ा वेला आवे ओइयो जिहड़ा वेला आवे ओइयो हस के गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जीवन के सब रोगों की ये एक औषधि है। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा यही समय संसार के व्यवहार में विकार में जा रहा होता अगर साहेब मेहरबान नहीं होता कैसे आते आप और मैं यहां कैसे दो घड़ी मन यहां पर बैठकर सुख पाता। प्रभु की कृपा का विचार होता रहे, प्रभु से कृपा मांगिए नहीं। जो मनुष्य है और जिसे भारत भूमि पर मनुष्य होने का सौभाग्य मिला है वो कृपा मांगे नहीं, वो तो कृपा का उत्सव मनाए। प्रभु की कृपा है, ये विचार जीवन को समृद्ध बनाता है, आत्मबल प्रदान करता है, भर देता है आपको भीतर एक उत्साह से एक प्रसन्नता से। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। अब बताओ हम कहां पर थे। नहीं, रैदास जी के पास में तो थे पर कहाँ थे। चरणामृत दिया रैदास जी ने। मैंने आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हो, राजा को चर्म चक्षुओं से चमड़ा धोने का जल दिखाई पड़ा। संत को अनुभव करने के लिए संत होना पड़ता है, भक्त हुए बिना भक्त नहीं जाना जाता। और मैं कहूं गुरु की कृपा से परमात्मा का रहस्य जाना जा सकता है, गुरु का रहस्य नहीं जाना जा सकता। भक्त के हृदय का भाव, भक्त के हृदय की गहनता नहीं जानी जा सकती। अब राजा न उगलते बने न निगलते बने, क्योंकि दिखाई चमड़ा धोने का जल पड़ रहा है, कैसे ले ले। रैदास जी ने कह दिया होगा चरणामृत है, कह दिया होगा। तो राजा ने चतुराई की और क्या किया कि वो जो चरणामृत था, जो उपवस्त्र राजा ने, जो वस्त्र पहना था राजा ने, एक बड़ा कीमती कोट था, मखमल का बना, सोने चांदी के तारों से जड़ा, तो राजा ने उसकी बांह में और वो चरणामृत ढुरका दिया। पिया नहीं, दिखाया कि पी लिया और वो चरणामृत जो था वो उस बांह में ढुरका दिया। अब उस वस्त्र में पड़ गया दाग, राजा ने वस्त्र धोने के लिए धोबी को दिया, दाग छूटा नहीं और राजा ने कहा था कि इसे निर्मल करके लाना। तो धोबी ने क्या किया, कभी कभी क्या होता है वो दाग लगा रहता है तो वो दांत से उसको छुड़ा देते हैं, तो वो धोबी ने क्या किया, वो जो कोट की जो बांह थी उसको दांत से रगड़कर और दाग छुड़ाने का प्रयास किया। और जैसे ही वो जो चरणामृत रह गया था उस वस्त्र पर, वो उस धोबी की जिह्वा को स्पर्श हुआ, धोबी को तो प्रेम का उन्माद छा गया। काशी की गलियों में नाचता गाता डोल रहा है, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्यों बोले, हीरा पाया गांठ गठिया बार बार वको क्यों खोले, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्यों बोले, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
जहां से मैंने आरंभ किया, क्योंकि विराम का क्षण निकट है, मैं अपनी बात को वहीं लाऊं। कभी सुख की झलक मिलेगी आपको, कभी आत्मा सुख पाएगी तो केवल केवल और केवल यहीं पाएगी, इसी विधि से पाएगी। स्वासादि माला नल सिमराम तेरा, भक्त की अहेतु की कृपा से उस वस्त्र धोने वाले ने वो परम सुख पाया। राजा के कान में जब ये खबर पड़ी कि जब से उसको वस्त्र धोने के लिए दिया आपने, वो तो प्रेम में मतवारा हुआ और काशी की गलियों में डोल रहा है। अब राजा भी रैदास जी की महिमा तो जानते थे, बुलाया धोबी को, धोबी कहता है महाराज मैं कुछ नहीं जानता, वो आपके कोट की बाह से वो दाग छूट नहीं रहा था, मैंने दांत से उसे छुड़ाने का प्रयास किया और जैसे ही मेरी जिह्वा को स्पर्श हुआ उस वस्त्र का, तब से मुझे खबर नहीं, नाम रस मीठा, तब से मेरा रोम रोम गाता है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसीलिए संत कहते हैं तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता पूरे, मन निर्मल होए संता पूरे, कर कृपा तेरे गुण गा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और भाव के ज्ञान के विज्ञान के मनोविज्ञान के धरातल पर मैं चुनौती देता हूं कि अगर कभी जीवात्मा को सुख की अनुभूति होती है, पहली मुलाकात भगवान से होती है तो सत्संग में होती है, मन कभी पहली बार आनंद की अनुभूति करता है तो संत की सन्निधि में करता है, और आत्मा कभी यदि प्रियतम का रसास्वादन करती है तो सबसे पहले नाम स्मरण की कृपा से करती है। मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे श्वास। राजा को बड़ा क्षोभ हुआ कि ये वस्तुतः उसी उसी जल बिंदु का प्रताप है, ये उसी चरणामृत की कृपा है, ये उसी का प्रसाद है। राजा को बड़ी ग्लानी हुई कि ये मैंने क्या किया, रैदास जी महाराज ने तो प्रसाद दिया था। इसीलिए दोहराऊंगा मैं अपनी बात, क्या मिल रहा है ये ना देखना, देने वाला कौन है इसका विचार करना, देने वाला कौन है। बहुत सुख दे संसार बाप, बहुत सुख देता हो पर अंत में क्लेश है, अंत में पीड़ा है। मैं तो कहता हूं कि संसार के सुख पाकर भी जीव भटकता है, संसार के सुख पाकर भी जीव भटकता है, और प्रभु के लिए भटके भी तो सुख पाता है। मैंने बहुत पहले कभी सुना था, मैं ता गोविंद गोपाल गौंदी फिरा, अपने मोहन नू मनोंदी फिरा। आप कभी जाइए, आप जाते होंगे वृंदावन, आप कभी जाकर देखिए वृंदावन की गलियों में मस्तक पर सुंदर वैष्णव तिलक, हाथ में माला झोली, और जीवन भर लोग वृंदावन की उन्हीं कुंज गलियों में डोलते हैं एक आशा मन में लेकर, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा। उसके लिए भटकने में भी सुख है बाप, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है, बोले आप थकते नहीं, भारत के एक कोने से दूसरे कोने में आज आप यहां हैं और कल आप वहां हैं, तो आप कभी थकते नहीं। मैंने कहा आपको लगता है कि शायद मैं भटक रहा हूं, और हो सकता है भटकता भी हूं,
प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा, प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां। हो सकता है मैं भटकता हूं, पर अगर ये सत्य है कि मैं भटकता हूं तो फिर ये भी सत्य है कि इस भटकने में परम सुख है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक बार मैं कहीं गा रहा था तो अगले दिन किसी ने लिख कर भेजा, बोले आप कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में, पर आप देखने से फकीर लगते तो नहीं। फकीर तो ऐसे नहीं होते, आप तो देखने से फकीर नहीं लगते। मैंने कहा तुम आधा देखते हो भाई, मुझे देखते हो तो ऐसा लगता है। अगर साथ में ये भी देखो कि किसके दरबार का फकीर हूं तो समझ में आएगा उसके दरबार का फकीर भी ऐसा ही होता है। मेरा कबीर कहता है प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। आप देखिए, आप जीवन भर ये मेरा वो मेरा ऐसा करते हैं, और मेरा मेरा करके भी कितना कुछ मेरा हो पाता है, बहुत अधिक नहीं। सारे संसार का भोजन भी आप अपने पास एकत्रित कर लीजिए पर आप अपनी भूख से अधिक नहीं खा सकते। सारे संसार की संपत्ति भी आप जुटा लीजिए पर आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं, उसमें से बहुत सा समय खाने में जाएगा, बहुत सा समय सोने में जाएगा और बहुत सा समय अपनी संपत्ति की चिंता में जाएगा, सुख कब पाएंगे। आप ये भी मेरा और वो भी मेरा करके जीवन भर अस्वस्थ रहते हैं, और हम न लेना न देना और मगन रहना। और जहां जाते हैं, जहां जाते हैं, जिसके यहां जाते हैं उससे पूछो ये किसका है, बोले महाराज आपका है। ये किसका है, बोले महाराज आपका है। वो किसका है, बोले महाराज आपका है। अरे महाराज हम ही आपके। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर, चलते आपसे कहूंगा। और एक बात आप सब लोग ध्यान रख लें भाई, मैंने कहा मेरा पहली बार यहां आना हुआ है और इसके लिए आपको इस 3 दिन के आयोजन के लिए आपको सरलता की मूर्ति इस साधु का धन्यवाद करना चाहिए भाई। मैं तो शायद नहीं आता, बहुत भागदौड़ हो रही थी बहुत समय से, पर इन्होंने कहा कि आपको आना ही है। तो आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से सबको सत्संग का सुख मिला। पर लेकिन मेरे यहां पर बस एक ही आवश्यकता है और वो है अनुशासन की। मैंने कहा ना मैं कोई जनसंग्रह या धन संग्रह करने नहीं आया हूं, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आपके पास मोल हो इसे लेने का तो आइए, आप आते रहे जाते रहे उठते रहे बैठते रहे ऐसा नहीं चलेगा, और आगे वही लोग बैठे जिनको अंत तक बैठना हो। मैं कोई सौदा लेके नहीं बैठा हूं यहां, भगवत चर्चा हो रही है, सुनने के लिए एक अनुशासन आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा था सेठ लोग नहीं आए। हाँ बहुत काम हो दुनियादारी का तो घर में बैठो, और मैंने कहा बड़ी सुविधा है टीवी चलाओ दिन रात कथा आती है खूब सुनो, मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जितने लोग बैठे श्रवण के प्रति आदर लेकर बैठे
श्रवण के प्रति सम्मान लेकर बैठें, व्यास पीठ के प्रति आपके मन में आदर का भाव हो, क्योंकि क्योंकि मुझे संतों के अनुभव में बड़ी श्रद्धा है, और उस अनुभव में श्रद्धा रखने से मुझे भी थोड़ा सा अनुभव इस बात का प्राप्त हुआ है कि जहां भक्तों का चरित्र चिंतन किया जाता है, जहां भक्तों के चरित्र का गान किया जाता है, वहां मेरे गोविंद विराजमान रहते हैं। इसलिए आप बड़े भाव से, बड़े आदर से और अनुशासन के साथ श्रवण करें। तो मैं कह रहा था फकीर उसके दरबार का हो तो ऐसा ही होता है। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा था। इसीलिए तो कहता हूँ बाप, एक बार आइए तो, एक बार पग तो धरिए इस मार्ग पर, इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नल गल बन दी, किसे दी अज बन दी, किसे दी कल बन दी, इबादत कर। राजा को बड़ी ग्लानी हुई कि मैंने क्या किया, संत के प्रसाद में मैंने अन्यथा बुद्धि की अवहेलना की, संत के प्रसाद की। खबर नहीं संत कब मौज में आए, उसकी एक नजर, संत के नेत्रों से छलकता है प्रेम का दरिया, कब भिगो दे। आशा प्रतीक्षा के साथ सत्संग लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कबीर कहता है, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना। कभी मौज आती है संत के हृदय में, आपकी पात्रता का विचार नहीं करेगा वो, आपकी योग्यता का विचार नहीं करेगा। तेरे दरबारे आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। कौन सी घड़ी भर देगा संत आपको उसी नाम की खुमारी से, ओत प्रोत कर देगा। गुरु चरणों से लगे रहना। राजा को बड़ी ग्लानी हुई, राजा फिर गया, और रैदास जी महाराज का तो कर्म ही था, वो तो फिर चमड़ा ही धो रहे थे। राजा ने कहा बात बन गई, दौड़ कर गया और फिर हाथ फैला दिया। रैदास जी महाराज हंसे, बोले राजा आज तो ये चमड़ा धोने का जल ही है, चरणामृत तो उसी दिन था। रैदास जी महाराज ने कहा जब पिलाया तब पिया नहीं, जब पिलाया तब पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान लिया। मतवाला धोबी जिसके पास न कोई योग्यता, न कोई पात्रता, न कोई विचार और न कोई संस्कार, इसे अहेतु की कृपा कहते हैं, संत की, भक्त की अहेतु की कृपा। तो जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की थी कि भगवान भी बंधे हैं, हम भक्त पराधीन हैं, और आप और मैं तो मायाबद्ध हैं, ये जीव माया से, अविद्या से बंधा है। अगर मुक्त कोई है तो भक्त मुक्त है, संत मुक्त है, और जिसका बंधन छूटा है वही आपको मुझे बंधन से छुड़ा भी सकता है। तो ये जो भक्त माल है, ये विधि है भक्त का संग करने की, संत का संग करने की, सत्संग करने की। तो आज का ये भाव यही श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, मंगल मूर्ति मारुति नंदन की छत्र छाया में ये सुंदर चर्चा हुई। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को भी नमन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की वेणु, जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस दैन, जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित विहार दर्शन, जय 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 श्री वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन हैं, जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र अमृत बरसे सकल जंतु तापन हरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, जय जय हरिवंश चरण शरणम।